मैं कह रहा था, एक बच्चा कह रहा है कि सर टाइम बर्बाद होता है। बड़ा सुपर बिजी पर्सन है यार। मैं कह रहा था, इतने तो बिजी हम भी नहीं हैं, हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ तो क्या हो गया, हैं? तो क्या हो गया? अगर आपने पेड कोर्स ले रखा है तो आप कुछ भी बोलोगे। तो तुमने मुझे खरीद तो नहीं लिया? स्टूडेंट हो, स्टूडेंट बन के हीरो। चले स्टार्ट करते हैं आज इस सेशन को। तो आज हमारा सेशन है 21 नंबर सेट, और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल। तो बढ़ते हैं आगे। आज इतना मौसम अच्छा है, ठीक है, बारिश आ रही है, इंजॉय करो। मैं भी क्लास इंजॉय करके पढ़ाना चाहता हूँ, वैसे तो हर बार होती है, लेकिन आज एक मौसम वेदर की फील लेके भी पढ़ना चाहिए, तो अच्छी बात है ना। हाँ चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं आगे। और ये मेरे डिफरेंट सोशल मीडियाज़ हैं और हैंडल्स हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारे लेक्चर्स पीडीएफ वगैरह यहाँ पे शेयर कर दिए जाते हैं। वहाँ यहाँ पे मेरे साथ 1,40,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके यहाँ पे जुड़ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। कोई एग्ज़ाम है, पेपर है, डाउट्स है, आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। जिस तरीके से आज हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर आप ऐसे ही जो है डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं, 10,000 एमसीक्यू कोर्स। इसके अंतर्गत हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ पे एग्जाम स्पेसिफिक बहुत सारे स्पेशल फोल्डर्स बने हुए हैं, वो आपको जो है एग्जाम से 1 या 2 महीने पहले पढ़ के ही जाने होते हैं, ताकि आपकी मैक्सिमम रिविजन हो जाए। यहाँ पे स्टैटिक जीके का पार्ट आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं। और आज हमारी जो मॉक टेस्ट इसके अंतर्गत अपलोड होगा, मॉक टेस्ट नंबर 20, तो उसको भी अटेम्प्ट कीजिए। यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो यूपी जीके, एमपी जीके और बिहार जीके भी मैंने इसके अंतर्गत डिस्कस करी है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आने वाली हैं। लाइव डाउट सेशन जो है हम लेने लग गए हैं, जिसमें मैं लाइव क्लास लेता हूं, और वो टाइम डिसाइड कर दिया जाता है और आपको बता दिया जाता है कि कब वो क्लास होगी, ठीक है। तो अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं, तो आप इसमें कोड लगा लेना आप लोग VIP50, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। जीएस कोर्स की बात करें, ये हमारा एक थियरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीजें स्टडी करी हैं यहाँ पे। इन कोर्सेज को आप कहाँ से ले सकते हैं? स्टडी IQ ऐप पे जा हमारी वेबसाइट studyiq.com। जैसे ही आप इस चीज को ओपन करते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। जैसे ही आप इस व्यू ऑल के बटन को दबाएंगे, GS कोर्स और 10,000 MCQ कोर्स आपको नजर आ जाएगा। जो भी कोर्स आपको अच्छा लगे, आप परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। क्लियर? एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अभी कल पेपर हुआ था नायब तहसीलदार का, जो पंजाब का एग्जाम था। 80% ऑफ द क्वेश्चंस जो है हमारे पेड कोर्स से आए थे। देखिए, आप चाहे यूट्यूब से देखते हैं, पेड कोर्स देखते हैं, मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताता हूँ, मेरी एक्सप्लेनेशन जो होती है उसको सुना कीजिए, क्योंकि पेपर में एज इट इज़ क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब मैं एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ आप लोगों को, वो नोट करना, वो चीज़ ग्रहण करना, वो चीज़ अडॉप्ट करना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप उस चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं, उस चीज़ को लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तब जाके आपकी जो है सिलेक्शन हो पाएगी, मैं आपको पहले बता दूँ, ठीक है। तो ध्यान से एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, हु अमंग द फॉलोइंग कैन इस्टेब्लिश एडिशनल कोर्ट्स फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग लॉ विद रिस्पेक्ट टू ए मैटर कंसर्न इन द यूनियन लिस्ट। देखिए जी क्या कह रहा है, यूनियन लिस्ट के अंतर्गत कोई कानून बनाया जा रहा है, एग्जिस्टिंग लॉ है, उसके बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें एडिशनल कोर्ट्स बनाने की जरूरत है, तो ये कोर्ट्स बनाएगा कौन? तो ये एडिशनल कोर्ट्स कौन बनाएगा? हमेशा पार्लियामेंट बनाएगी, संसद बनाएगी। तो आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 4, ठीक है, आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी।
देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली बात है, जब कोर्ट्स बनेंगे तो हाई कोर्ट ही बनाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं बनेगी, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है हमारी, हाई कोर्ट बनाई जाएंगी। तो हाई कोर्ट जो होती हैं हमारे संविधान में आर्टिकल 214 के ऊपर है, और ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है वो है 124। क्लियर हो गया आप लोगों को? एक हाई कोर्ट जो होती है आपकी दो या दो से ज़्यादा कॉमन मतलब स्टेट्स की कॉमन हाई कोर्ट हो सकती है, जो कि आपके सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में बोला गया था। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में भी बताता है, जिसमें आपके 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी में पूरा देश तब्दील हो गया था, और एक गवर्नर जो है आपका दो या दो से स्टेट्स का कॉमन गवर्नर हो सकता है, वो भी आपका सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 द्वारा बोला गया था। हाई कोर्ट की अगर मैं बात करता हूं, 214 में आता है आर्टिकल। हाई कोर्ट का एक्ट क्या था? 1861 का एक्ट था, और बनाई कहां पे थी? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में, और ये बनाई कहां पे गई? 1862 में बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 का था, जो कि इम्प्लीमेंट हुआ था 1774 में, और सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी कलकत्ता में। फिर बाद में 28 जनवरी 1950 में आपकी सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करी गई दिल्ली के अंतर्गत, और वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्लियर? तो आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पार्लियामेंट इज द राइट वन, पार्लियामेंट। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन बताइए जी क्या कहता है। इनमें से कौन सी ऐसी चीज जो है, अगर हम लाइम को वाटर में डालते हैं, लाइम का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर का मतलब वाटर H2O, अगर हम इसको मिलाते हैं तो कौन सा कंपाउंड जो है आपका बनता है? सो ये कंपाउंड बनता है CaOH2 बनता है, CaOH2, एंड जिसे हम क्या कहते हैं आपका स्लेक्ड लाइम कहा जाता है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, स्लेक्ड लाइम कहते हैं। यस, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? क्विक लाइम की अगर मैं बात करता हूं तो CaO होता है ये। क्लियर? वॉशिंग सोडा की अगर मैं बात करता हूं तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। सो दिस इज द सोडियम, दिस इज द वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर? आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। यहां पे देख लीजिए, जब लाइमस्टोन जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको जब हम हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाती है और आपका कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम बन जाता है, और इसके अंतर्गत हम पानी को ऐड करते हैं तो स्लेक्ड लाइम CaOH2 बन जाता है। जैसे ही इसके अंतर्गत कार्बन डालते हैं तो ये क्या बन जाता है? फिर कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन बन जाता है। ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी अगला आंसर बताइए। Who was the first Indo-American woman to enter in the space? First Indo-American woman जो है जो space के अंतर्गत गई थी, उनका नाम क्या है? So वो थी आपकी, that is कल्पना चावला जी। Answer इसमें क्या बनेगा? D is the correct answer. कल्पना चावला is the right one. Answer number D is the correct answer. कल्पना चावला, first Indo-American जो women जो space में गई थी, और जो है ये अपना PhD इन्होंने करी है आपके Texas at एलिंगटन में, और इनकी जो डेथ हो गई थी 2003 में हो गई थी, जब इनका जो शटल था कोलंबिया वो डिसइंटीग्रेट कर गया था, जब दोबारा से ये धरती के अंदर री एंट्री कर रहे थे तो कोलंबिया शटल डिसइंटीग्रेट कर गया था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पार्ट इज, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यूपीएससी हैज एडवाइजरी पावर इन द फॉलोइंग मैटर्स। जो यूपीएससी होता है यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये किन चीजों में आपकी एडवाइस देता है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन की जब आप बात आ जाती है तो ऑब्वियसली बात है पब्लिक के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो कमीशन बिठाया गया है वो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेपर देते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन के रेगुलेशंस वगैरह कौन बनाते हैं? ये पब्लिक सर्विस कमीशन वाले लोग बनाते हैं। टाइम टू टाइम जो पेपर कंडक्ट करना होता है वो ये करते हैं, ब्यूरोक्रेसी के लिए बात ये करते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, समझ आया? सो इसका आंसर क्या बनेगा? ये आपका मेथड है रिक्रूटमेंट टू द सिविल सर्विसेज। बिल्कुल, सिविल सर्विसेज के अंतर्गत जाने के लिए यहां से आपके ये मेथड बनाते हैं। बिल्कुल सही है, पेपर कैसे देना है, कौन सा होना चाहिए,
और डिसिप्लिनरी मैटर अफेक्टिंग ए पब्लिक सर्वेंट, बिल्कुल उसका क्या डिसिप्लिन होना चाहिए किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, वो भी इसके अंतर्गत मैटर आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। सो आंसर नंबर 1 और 2 इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर 1 और 2। अगर मैं बात करता हूं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर हम बात करते हैं, तो ये आर्टिकल 315 में इनके बारे में लिखा गया है। ये जो दोनों बॉडी हैं ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती हैं, आजाद हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। 6 साल इनका कार्यकाल होता है, मतलब मेंबर्स का, यूपीएससी के मेंबर्स का कार्यकाल 6 साल और रिटायरमेंट एज 65 होती है। ऐसे ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो लोग होते हैं उनकी एज 62 और 6 ईयर जो है रिटायरमेंट एज देखने को, 62 और 6 ईयर जो होता है कार्यकाल होता है उनका रिटायरमेंट एज का। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं मेंबर्स ऑफ यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लोगों को, दैट इज राष्ट्र गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। और जो है यहाँ पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, क्लियर हो गया आप लोगों को। अगर हम बात करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो आर्टिकल 312 जो है आपका, जहां पे लिखा गया है ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में, कोई भी नई सर्विस हमने देश के अंतर्गत बनानी है वो 312 के अंतर्गत बनेगी। और इसमें सबसे पहले बिल उठेगा कौन, राज्यसभा उठाएगी, फिर ये बिल जाएगा लोकसभा में, फिर ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। तो दैट मींस बिल इनिशिएट करने की पावर राज्यसभा के पास, और आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने की जो पावर होती है वो आती है किसके पास, पार्लियामेंट के पास। तो ये भी आपको याद रखना है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर हो गया आप लोगों को। फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं वल्लभ भाई पटेल जी को कहते हैं, ये याद रखना है आपको, समझ आया। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किन्हें कहते हैं, दैट इज कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम कहते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। ये कॉर्नवालिस वही पर्सन है जिन्होंने टीपू सुल्तान के अगेंस्ट जो है ट्रिपल अलायंस बनाई थी, ट्रिपल अलायंस बनाई थी आपकी 1792 वॉर में, जो कि आपकी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर थी, और ये टीपू सुल्तान हार गया था। श्रीरंगापट्टनम की जो है ट्रीटी आपकी साइन हुई थी यहाँ पे, और श्रीरंगापट्टनम वही जगह है जहाँ पे टीपू सुल्तान की कैपिटल थी, यहाँ पे ट्री ऑफ लिबर्टी उसने लगाया हुआ था, किसने, टीपू सुल्तान ने, ये याद रखना है। कॉर्नवालिस वही पर्सन है जिन्होंने जमींदारी सिस्टम जो है स्टार्ट किया था, जिसे हम क्या कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल 1793 में, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन शोर। कहने का मतलब यह है कि एक पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा जो होगा आपका, दैट इज एक पर्सन होगा आपका जमींदार अपॉइंट किया जाएगा जो टैक्स कलेक्शन की बातें यहां पे करेगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो ये स्टेटमेंट्स, ये पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के साथ जो है एसोसिएट कर जाते हैं। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। चलिए जी अगला आंसर बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा ट्री है जो कि आपका बहुत सारे सालों तक जो है जीवित रहता है धरती के ऊपर, द ट्री लिव्स फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ इयर्स ऑन द अर्थ। सो दैट इज, यस यस बताइए, शाबाश। देखिए जी ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, सो दिस इज योर होमवर्क, इसको आपने बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको आई थिंक आपने लिख लिया होगा, देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। चलिए जी आप बताएंगे कि कौन सा ट्री है। अगला देखिए, ये है जगह, एक जगह है डेट इज कॉल्ड कलनगुट, एक सी कोस्ट के ऊपर अच्छी जगह है, सी साइड जगह है, ये कौन सी स्टेट में देखने को आपको मिलती है, कलनगुट। So, कलंगुट जो देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलती है गोवा में। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, गोवा इज द राइट वन, गोवा। गोवा की बात करते हैं तो यहां पे मंडोवी रिवर देखने को आपको मिलती है, यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा के अंतर्गत सलीम अली नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, सलीम अली नेशनल पार्क, सॉरी दैट इज इन द जम्मू कश्मीर, सलीम अली बर्ड सेंचुरी देखने को आपको मिलती है। सलीम अली जो है ऑर्निथोलॉजिस्ट, दैट इज कॉल्ड बर्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्हें कहते हैं बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं और बर्ड मैन इज ऑर्निथोलॉजिस्ट। और गोवा के अंतर्गत आपके नेशनल सेंटर है फॉर द पोलर ओशन रिसर्च, जो हमारे पोलर ओशन रिसर्च सेंटर हैं हमारे, वो गोवा में देखने को मिलते हैं यहाँ पे।
और हमारे रिसर्च स्टेशन जो है पोलर ओशन रिसर्च सेंटर, मतलब एक अंटार्कटिक में है और एक आपका आर्कटिक में देखने को हमें मिलते हैं। आर्कटिक में है हमारा हिमाद्री स्टेशन है जो आपकी रिसर्च करता है वहां पे, और अंटार्कटिक की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे दक्षिण गंगोत्री, भारती और आपका मैत्री देखने को मिलता है रिसर्च स्टेशन। आंसर नंबर सी इज द राइट वन। केरल की बात करते हैं तो स्पाइस सिटी के नाम से जानते हैं हम इसको। वेम्बनाद लेक यहां पे देखने को आपको मिलती है। केरल सिटी में आपकी नेचुरल रबर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है और नेचुरल रबर लेटेक्स ऑफ द प्लांट से हम लेते हैं यहाँ पे। नेचुरल रबर को स्ट्रांग बनाने के लिए सल्फर डाला जाता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वल्कनाइजेशन, वल्कनीकरण कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेचुरल रबर वर्ल्ड वाइड मिलती है थाईलैंड में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल में देखने को आपको मिलते हैं, और केरल के अंदर मोनाजाइट सैंड है, मोनाजाइट सैंड जहां पे आपको मिलता है थोरियम। थोरियम इज अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का एंड प्रोडक्ट हमेशा लेड रहता है। लेड की ओर है गैलिना, लेड की ओर है गैलिना। लेड हम टेट्रा इथाइल लेड में रूप में यूज करते हैं, एंटी नॉकिंग कंपाउंड होता है। ब्लैक लेड आप किसे कहते हैं, ग्रेफाइट जो सिक्के वगैरह बनाने में काम आता है, पेंसिल वगैरह में। सो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। महाराष्ट्र में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के हेडक्वार्टर हैं यहाँ पे, बाबा एटॉमिक रिसर्च स्टेशन के हेडक्वार्टर हैं, और यहाँ पे तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो पहला लगाया गया था हमारे भारत देश में, वो भी देखने को हमें मिलता है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का डांस फॉर्म है लावणी, क्लियर, ये याद रखें। और केरल का की बात करें, मोहिनीअट्टम और कथकली डांस फॉर्म बहुत फेमस है। कर्नाटक में यक्षगान देखने को मिलता है, कर्नाटक में कुद्रेमुख, कुद्रेमुख जो है आपका डेट इज अ नेशनल पार्क है यहाँ पे। और जो है यहाँ पे कर्नाटक में आपका बेंगलुरु इज द कैपिटल सिटी जहाँ पे इसरो के हेडक्वार्टर हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, जो बना था 15 अगस्त 1969 को, और इसरो बना था, और बेंगलुरु को हम कहते हैं स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। सो दिस इज गोवा, क्लियर। चलिए जी अगला बताइए। 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसके अकॉर्डिंग क्या चीज चेंज नहीं हुई थी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट को हम और क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम संविधान की जो चीजें चेंज करी गई हैं वो 42nd अमेंडमेंट द्वारा करी गई हैं। जैसे कि इन्होंने आपके तीन वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किए थे प्रियम्बल में, ये पॉइंट सही है। यहां पे हमेशा पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष वर्ड का मतलब क्या है। ये वर्ड का मतलब ये होता है कि हमारा देश किसी भी धर्म को नहीं मानता लेकिन हम सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं यहां पे, तो वो होता है सेकुलर वर्ड, क्लियर। प्रीएम्बल इज द प्रीफेस यानी कि पहला पेज होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा पॉइंट है इट एडिड द फंडामेंटल ड्यूटीज, बिल्कुल सही, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से, और फंडामेंटल ड्यूटी 10 ऐड करी गई थी हमारी 42nd अमेंडमेंट द्वारा, और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो ऐड करी गई थी वो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा ऐड करी गई थी, जिसमें पेरेंट्स को पढ़ाना, 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना पेरेंट्स की ड्यूटी होती है। और आपकी जो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो 11 हैं, और इसका आइडिया यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, पार्ट 4A में लिखा गया है, 51A में लिखा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो ये भी पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। इट डिलीट द राइट टू प्रॉपर्टी क्लॉज फ्रॉम द आर्टिकल 19, ये पॉइंट सही है कि 19 से डिलीट किया गया था, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी जो है 42nd अमेंडमेंट ना करके वो आपका किया गया था 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के दौरान, क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इसका मतलब आंसर इसमें क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। सो दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और एक चीज आपको बता दूं, 44 अमेंडमेंट एक्ट वही है जिसमें जब हमारी नेशनल इमरजेंसी लगती है, इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण लगती थी पहले, जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के टाइम पे इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण लगी थी, फिर इसका वर्ड जो है 44 अमेंडमेंट द्वारा चेंज किया गया था आर्म्ड रेबिलियन में, आर्म्ड रेबिलियन जिन्हें हम कहते हैं सैन्य विद्रोह, इसमें चेंज किया गया था। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। इट अमेंड द आर्टिकल 353 रिलेटिंग टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी, बिल्कुल सही। एमरजेंसी में 5 साल का कार्यकाल 1 साल बढ़ जाता है, 6 साल हो जाता है, ये भी अमेंडमेंट 42nd द्वारा करी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, कि ये मैच नहीं करता, बाकी सारे मैच कर जाते हैं यहां पे ऑप्शन। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। यहां पे देखिए, और इसमें 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं हमने ऐड किए थे 44 अमेंडमेंट 42nd द्वारा,
जिसमें हेल्दी डेवलपमेंट चिल्ड्रंस की आर्टिकल 39 में चेंज किया गया था, और इक्वल जस्टिस इक्वल फ्री एड टू द पुअर आर्टिकल 39A में बोला गया था, और उसके बाद जो है पार्टिसिपेशन वर्कर्स की मैनेजमेंट में इंडस्ट्रीज की 43A द्वारा ऐड किया गया था, और टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ 48A, ये भी आपका 42 द्वारा किया गया था। देखिए एक चीज आपको मैं आपको क्लियर कर दूं, पहले तो यहां पे ये पॉइंट्स आपको जरूर पता होने चाहिए, दूसरा पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से आर्टिकल ऐड किए गए थे, आर्टिकल 39, 39A, 48A और 43A जो है ऐड किया गया था यहां पे। ठीक है, ये बारिशें मुझे डरा रही हैं लेकिन मैं डरूंगा नहीं, ठीक है, और बहुत जोर जोर से ढक 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 हो रही है, ठीक है, पर अदरवाइज हमने पढ़ने की तरफ ध्यान देना है। अगर मेरा बाई चांस ध्यान इधर उधर चला जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, जिससे शीशे ऐसे जोर जोर से बज रहे हैं, पर नेवर माइंड, हम ध्यान देंगे इस साइड पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ, 39, 39A, 43A एंड 48A जो ऐड किया गया था वो 48 अमेंडमेंट द्वारा ऐड किया गया था, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर हो गया आप लोगों को जी, ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जी क्या कहता है, क्वेश्चन देखिए जी क्या कह रहा है, कौन सी स्टेट एक ऐसी स्टेट है जहां पे 90 दिनों के अंतर्गत गोल्डन कार्ड जो है आपके आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है आपकी स्टार्ट करी गई थी, और सबसे ज्यादा गोल्डन कार्ड इश्यू किए थे इस स्टेट ने, और वो कौन सी स्टेट है इनमें से, तो वो स्टेट है आपकी दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जो आपका वो है दैट इज लोगो है दैट इज कश्मीरी स्टैग। क्लियर, यहां पे आपका जैसे जम्मू कश्मीर में डेट्स इट, क्लियर, ये याद रखना है आपको, जम्मू कश्मीर हाँ, श्रीनगर इज द कैपिटल। महाराष्ट्र की बात करें, आपको मैंने बता दिया था इंस्टीट्यूट वगैरह। वेस्ट बंगाल में अगर आप याद करते हैं तो सुंदरबन डेल्टा देखने को हमें मिलता है यहाँ पे। सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर बनाते हैं, और जो ये मैंग्रोव भी हैं, मैंग्रोव वो होते हैं जिनकी जड़ें जो होती हैं आपकी वो पानी में बहुत ज़्यादा धंसी हों। जब ये पानी में बहुत ज़्यादा धंसी होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि रूट्स इतनी ज़्यादा पानी में धंसी हुई हैं कि हवा पानी का कुछ भी फर्क वहाँ पे नहीं पड़ता। जब पड़ेगा नहीं फर्क, ऑब्वियसली बात है, तो वो जो रूट्स वहाँ पे खड़ी रहेंगी, और वहाँ पे जो टाइड्स हैं, ये वेव्स हैं, ये नहीं आएंगे बहुत ज़्यादा, जिसके कारण हमारी कोस्टल स्टेट्स का नुकसान नहीं होगा। तभी ये जितने भी मैंग्रोव्स हैं वो कोस्टल स्टेट्स में क्यों हैं, एक तो टाइड से बचने के लिए, सुनामी से बचने के लिए, ये साइक्लोन को कम करते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। क्लियर हो गया आप लोगों को, ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला आंसर बताइए। यस, न्यूमेटोफोर्स होते हैं कहां पे, मैंग्रोव्स में सांस लेने के लिए, रूट्स में होते हैं न्यूमेटोफोर्स। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताओ, फेरोए जो है, फेरोए इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अटलांटिक ओशन बिटवीन द स्कॉटलैंड एंड द आइसलैंड। ये जो है आपका ग्रुप, ये किस चीज के लिए जाना जाता है? यस, पहली बात तो फेरोए आइलैंड जो है आपका देखने को मिलता है हमें डेनमार्क के अंतर्गत, ये डेनमार्क की टेरिटरी के अंतर्गत आता है। जो फेरोए वर्ड है इसका मतलब ही क्या होता है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ शिप, दैट इज दिस इज द आइलैंड ऑफ शिप, भेड़ का द्वीप देखने को हमें मिलता है। सो अगर आपसे पूछा कि भेड़ें सबसे ज्यादा कहां पे, कौन सी कंट्री में मिलती हैं, तो डेनमार्क आप लगा सकते हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा, वन इज द करेक्ट आंसर। यस, वन ऑप्शन इज द करेक्ट वन, डेनमार्क और फेरोए आइलैंड शिप के लिए। शिप से मेरे दिमाग में एक चीज याद आती है, क्या, क्लोन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोन? क्लोन वो होता है जो कि जेनेटिकली सिमिलर बना दे, लैब के अंतर्गत अगर आप जेनेटिकली सिमिलर कोई ऑर्गेनिज्म बना दे, उसे हम क्लोन कहते हैं, क्लोन कहा जाता है। जैसे कि पहली डॉली शिप बनाई गई थी, क्लोन डॉली शिप, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ये क्लोन बनाई गई थी जेनेटिकली सिमिलर। यहां पे वर्ड लिखा हुआ है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन एक ऐसा ओशन है जहां पे एक रिज है, मिड अटलांटिक रिज कहते हैं उसको।
और ये सबसे ज्यादा बिजेस्ट ओशन है आपका, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ट्रेड जो होता है वो अटलांटिक ओशन से देखने को मिलता है। आपका पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन जो है ये जुड़ते हैं, कहां से जुड़ते हैं, कौन सी कैनाल से जुड़ते हैं? सो दी आर ज्वाइंट बाय द पनामा कैनाल, दे आर ज्वाइंट विद द पनामा कैनाल। क्लियर, ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर वन। सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन है तो पुराना, लेकिन यहां पे आपको समझाने का क्वेश्चन है। यहां पे पहली बात तो यहां पे ये क्वेश्चन इतना लॉजिकल नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत सारे छुपे हुए हैं, वो ज्यादा ध्यान रखने जरूरी है। पहली बात तो यहां पे मॉनेटरी पॉलिसी की बात चल रही है कि कौन देता है। पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी देता है, मौद्रिक नीति देता है, पैसे को कंट्रोल करता है मार्केट में। और इसके दो ऑब्जेक्टिव मेन देखने को आपको मिलते हैं। द वन इज द प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस को कंट्रोल रखना। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब रेट किसी चीज के ना बढ़ने देना। और दूसरा आपका जो है, जहां प्राइस स्टेबिलिटी कह सकते हो, जहां आप इसको इन्फ्लेशन कंट्रोल भी कह सकते हैं। समझ आया? दोनों वर्ड सेम है। एक तो ये काम करना इसका होता है, दूसरा काम होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास करना। ये भी किसका काम है? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है हर दो महीने बाद, बाई मंथली जो है आपकी, ये इश्यू करती रहती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो आपसे पूछा जा सकता है कितने टाइम बाद आपकी इंट्रोड्यूस करी जाती है? तो बाई मंथली इंट्रोड्यूस करी जाती है, ये बाई मंथली करी जाती है। और आरबीआई के अंतर्गत आती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य क्या है कि आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना है 4+2-2%, यानी कि 2-6% तक अगर आपकी चीजों के रेट बढ़ रहे हैं तो वो अच्छे हैं, क्योंकि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लोगों को काम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, ग्रोथ हो रही है, तब इतना इन्फ्लेशन गुड है। अगर 6% से ज्यादा बढ़ने लग जाती है तो आरबीआई को एक्शन लेने पड़ जाते हैं वहां पे, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पे ये भी आता है कि जो ये बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी देती है, और इसको प्रेजेंट कौन करता है? हमेशा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन, दैट इज गवर्नर ऑफ द आरबी करते हैं। और यहां पे गवर्नर कौन है? दैट इज शक्तिकांत दास जी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर, शक्तिकांत दास। समझ आया तुम्हें जी? क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, बहुत बढ़िया। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब आरबी की अगर मैं बात करता हूं, तो आरबी की बात करते हैं तो आरबी का जो लोगो है वो क्या है? टाइगर अंडर पाम ट्री, टाइगर अंडर पाम ट्री, यानी कि टाइगर के पीछे ताड़ का पेड़ है, ये देखने को मिलता है। दिस इज द लोगो ऑफ द आरबीआई। और आरबी बना कब था? 1 अप्रैल 1935 अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1934। और ये आरबीआई जो है आपका, इसमें जो है 5 करोड़ रुपीस जो है पेड अप कैपिटल रखी गई थी। 100 रुपए का एक शेयर बेचा था 5 लाख लोगों को, और उसके बाद 5 करोड़ रुपया यहाँ पे आया था। आरबीआई बना था 35 में, और नेशनलाइजेशन हुई थी 1 जनवरी 1949 में। ये याद रखना, आरबीआई की नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है व्हेन द थिंग्स आर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए जी, अगला आंसर देखिए, अगला क्वेश्चन बताइए। ये प्रोजेक्ट है आपका, डेट इज तुई रियल हाइड्रोलैक्टिक पावर प्रोजेक्ट, जो सेटअप किया गया था कौन सी स्टेट में? तुई रियल हाइड्रोलैक्टिक पावर प्रोजेक्ट कहां पे सेटअप किया गया था? सो दिस वॉज सेटअप इन द असम, असम में सेटअप किया गया था। और ये किस रिवर के ऊपर है? सो दिस इज ऑन द रिवर बाराक, बाराक रिवर के ऊपर देखने को हमें मिलता है। सो दैट इज द प्रोजेक्ट। क्लियर हो गया आप लोगों को? यस। अगर मैं बात करूं बाराक रिवर, आपने पढ़ी होगी कहां पे? नेशनल वाटरवे 6 के ऊपर। नेशनल वाटरवे 6 जो है बाराक रिवर के ऊपर है, लखीमपुर टू बंगा जो है ये आपका नेशनल वाटरवे 6 है, जिसकी लंबाई है 121 किलोमीटर की। और ये क्या करता है? वाटरवे क्यों यूज करते हैं हम? चीजों को एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, तब ये चीजें यूज करी जाती हैं। आंसर नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर, असम। असम से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया, मजूली आइलैंड, जो कल के पेपर में भी देखने को आपको मिला था। मजूली आइलैंड जो है आपका रिवराइन आइलैंड है,
रिवर्स द्वारा बनाया गया आइलैंड है। इसमें आपकी दिहांग, दिबांग, सुबानसरी, लोहित, कामेंग ये रिवर देखने को आपको मिलते हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। ब्रह्मपुत्र के अंत ऊपर ये बनाया गया है मजूरी आइलैंड असम में। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि वन हॉर्न राइनो के लिए बड़ा फेमस है। और इसके अलावा यहाँ पे दिब्रू साइकोवा, ओरांग, मानस, ये आपके नामेरी, दीज आर द नेशनल पार्क इन द असम। असम में एक आपका सतरिया डांस फॉर्म है, दैट इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, क्लियर। और असम में एक आपका बिहू डांस फॉर्म भी है, वो आपका फोक डांस है असम का। नागालैंड की बात करें, नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, जो है इंग्लिश है, क्लियर। बट अदर यहाँ अदरवाइज ध्यान रखना, हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज 8 स्केड्यूल में आती हैं, इंग्लिश उसमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। नागालैंड में आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल देखने को हमें मिलता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। मिजोरम की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे डैम्पा टाइगर रिजर्व देखने को हमें मिलता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेघालय में गैरो, खासी, जयंतिया नाम्स की हिल्स देखने को मिलती हैं। मेघालय को हम बोलते हैं अबोर्ड ऑफ द क्लाउड्स, बादलों से गिरा हुआ इलाका, ठीक है। मेघालय में आपका एक इलाका है मुनसम राम, जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश देखने को हमें मिलती है। और दूसरा चेरापूंजी, वो भी यहाँ पे है, बारिश देखने को हमें मिलती है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। यस, मिजोरम में परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्लियर। और एरिया वाइज मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, डेट इज इन द देहरादून, उत्तराखंड की कैपिटल में। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए, शाबाश। क्वेश्चन क्या कहता है, ए रेजोल्यूशन रेटिफाइंग ए प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी रिक्वायर्स टू बी पास। देखिए जी क्या है, जब भी एमरजेंसी लगाई जाती है तो ये रेटिफिकेशन होना कि हाँ पार्लियामेंट लगा रही है, तो कैसे होता है, जब भी ये एमरजेंसी लगाई जाएगी तो हमेशा ये बिल पास होगा अलग अलग सदन से, 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, दोनों की सेपरेट सिटिंग में होगा, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ ईच हाउसेज एंड बाय द मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन द 2/3 ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, क्लियर। तो आंसर नंबर क्या बनेगा आपका, 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एमरजेंसी हमारे देश में, जब नेशनल एमरजेंसी लगती है, एमरजेंसी का वर्ड नेशनल एमरजेंसी ज्यादा पेपर में यूज होता है, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनल फाइनेंशियल वर्ड डालेंगे वहां पे, अगर सिंपल एमरजेंसी वर्ड आ रहा है तो डैट मीन्स वहां पे नेशनल एमरजेंसी की बात आ रही है। नेशनल एमरजेंसी आर्टिकल 352 में लिखा गया है आपका, ठीक है। और 3 कारणों से लगती है, एक्सटर्नल एग्रेशन जो कि आपका 1962 में था इंडिया चाइना का, और एक वॉर हुई थी आपकी इंडिया पाकिस्तान की 1971 में, और एक था इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण लगी थी 1975 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, और फखरुद्दीन अली अहमद वॉज द प्रेजिडेंट दैट टाइम। और इस वर्ड को चेंज कर दिया गया था बाद में 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा, और वर्ड चेंज किया हुआ था आर्म्ड रिविलियन, सैन्य विद्रोह में चेंज हो गया था। नाउ द पार्ट इज, नेशनल एमरजेंसी में इन 3 कारणों से एमरजेंसी लगती है और आपकी 2/3 मेजोरिटी से बिल पास होगा। जब भी एमरजेंसी लगेगी तो 6 महीने के लिए लगेगी, 6 महीने के बाद रिव्यू किया जाएगा, अगर रिव्यू में आया कि हाँ आगे बढ़ेगी तो अगेन 6 मंथ चलती रहती है आगे आगे, कितने टाइम तक लग सकती है, अनलिमिटेड टाइम तक, जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। हमारे देश में 3 एमरजेंसी लगी हैं और तीनों में आपके ईयर और तीनों कारणों से लगी हुई है, ये याद रखना। और एक बार लोकसभा का टाइम बढ़ा था, जो मैंने आपको बताया था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में लिखा गया था 5 साल से 1 साल बढ़ा के 6 साल कर सकते हैं हम लोकसभा का टाइम, वो एक बार बढ़ा था जब इंदिरा गांधी जी के टाइम पे लगी थी ये एमरजेंसी, दैट इज द इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। तो आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट पॉइंट बताइए, ट्रेड विंड्स इन द नदर हेमिस्फीयर ब्लोज फ्रॉम, जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो नदर हेमिस्फीयर में कैसे ब्लो करती हैं। देखिए ट्रेड विंड्स जो ट्रेड्स के लिए आपको हेल्प करती हैं, आपकी 30° नॉर्थ एंड 30° साउथ के बीच में, और बीच में एंड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बना लेती हैं यहां पे डोल्ड्रम वाले पार्ट में, यहां पे, ठीक है, यहां पे सॉरी 5 डिग्री से 5 डिग्री की बात चल रही है, यहाँ पे 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री ईस्ट में, यहाँ पे इक्वेटोरियल डोल्ड्रम वाला जो पार्ट आता है, यहाँ पे ITCZ का इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन का पार्ट बनाती है ट्रेड विंड्स। और ये चलती कहाँ से, नदर हेमिस्फीयर में नॉर्थ ही ट्रेड विंड्स और आपके सदर हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स चलती हैं, और ये लो प्रेशर जोन वाला पार्ट बना लेती हैं, यहाँ पे याद रखना है। सो दिस इज द नॉर्थ ईस्ट
टू साउथ ईस्ट। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक ये जो है आपकी हवाएं चलती हैं, सो दीज आर द ट्रेड विंड्स, क्लियर। और उसके बाद 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ में हम उसको कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड्स, और ऊपर आपके जो हैं पोलर फ्रंट्स कहा जाता है, ये याद रखना। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्लियर। चलिए जी अगला आंसर बताइए, अगला आंसर बताइए, नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो दिल्ली की है वो किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। एनसीआर एनसीटी वर्ड जो यूज किया गया था दिल्ली के लिए, और वो कौन सी अमेंडमेंट द्वारा करी गई थी। ऑर्डिनेंस प्रोमोगेटेड बाय द, नहीं ऑर्डिनेंस नहीं थी, वैसे ऑर्डिनेंस आपकी गवर्नर की 213 नंबर आर्टिकल में लिखी गई होती है, और ये भी गलत है। ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट की आपकी लिखी होती है 123 में, क्लियर। 71st अमेंडमेंट एक्ट, ये भी गलत है। 69th अमेंडमेंट एक्ट के कारण जो है आपका ये बोला गया था एनसीटी वाला पार्ट, आर्टिकल 239AA के दौरान एनसीआर वर्ड यूज किया गया था। समझ आया आप लोगों को, आंसर इसमें क्या बनेगा, 4 इज द करेक्ट आंसर। यस 4 इज द राइट वन। दिल्ली एक ऐसी जगह है, ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसकी अपनी हाईकोर्ट थी। 1966 में पहली हाईकोर्ट मतलब दिल्ली की यूनियन टेरिटरी की ये बनी थी, ये याद रखना। ऑर्डिनेंस की बात आ रही थी यहाँ पे, ऑर्डिनेंस तब इश्यू करी जाती है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, पार्लियामेंट सेशन में ना हो तब ऑर्डिनेंस इश्यू करी जाती है, और ये सीधा का सीधा कानून होता है राष्ट्रपति की, ये कानून होता है, एग्जीक्यूटिव लॉ होता है। राष्ट्रपति की ये जो पावर होती है वो लेजिस्लेटिव पावर होती है, कानून बनाने वाली शक्ति होती है, और ये तब इशू करी जाती है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। ऑर्डिनेंस का टाइम 6 महीने तक रहता है कि 6 महीने तक लगी रहती है। अगर जब 6 महीने के बाद पार्लियामेंट मिलेगी और लगे कि दोबारा से आपका ये जो प्रेसिडेंट ने अनाउंस करी थी ऑर्डिनेंस, ये कानून बनना चाहिए, तो 6 हफ्तों के अंतर्गत वो कानून बन जाता है। अगर 6 महीने के बाद जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर कोई डिस्कशन ना करे तो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगी, ये याद रखना। ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति इश्यू करते हैं किसकी कहने पे, किससे लिखित में लेते हैं, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लिखित में लेते हैं, तब जाके इश्यू करते हैं आपकी ऑर्डिनेंस, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, 69th अमेंडमेंट एक्ट इज द राइट वन। यस अगला बताइए, नियाग्रा फॉल जो है ये कहां पे है, नियाग्रा फॉल जो है आपका कहां पे देखने को मिलता है। यस नियाग्रा रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। यस सो दिस इज ऑन द एरी लेक एंड द ओंटारियो लेक। आंसर इसमें क्या बनेगा, 4 इज द करेक्ट आंसर। एरी और ओंटारियो लेक के बीच में आपका नियाग्रा फॉल देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही। आंसर नंबर क्या बनेगा, 4 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 4, यस आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 4, अगला बताऊं, ए मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर ओनली आफ्टर द इंक्वायरी हैज बीन हेल्ड बाय। जब भी कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मेंबर है अगर मिसबिहेव करता है तो ये इंक्वायरी को हैंडल कौन करेगा, इस इंक्वायरी को हैंडल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आती है, और इसमें अगर वो कह दे तो इसको हटा दिया जाता है वहां पे। आंसर नंबर क्या बनेगा, 4 इज द करेक्ट आंसर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस चीज को संभालती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया संभालते हैं इस चीज को। यस बताइए अगला क्वेश्चन बताइए, सुप्रीम कोर्ट संभालती है। एन एक्टिव इम्यून सिस्टम रिक्रूट्स मैनी सेल्स टू द अफेक्टेड टिश्यूज टू किल द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। देखिए सीधी सी बात है, एक जगह के ऊपर अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए या कुछ भी हो जाए उसके ऊपर आपकी बॉडी खुद एक्ट करती है कि उन माइक्रोब्स को खत्म कर दिया जाए। जब हम उन माइक्रोब्स को खत्म करने की बात कर रहे हैं तो डैट मीन्स हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रही है, उनके अगेंस्ट लड़ रही है, लिम्फोसाइट्स लड़ रहे हैं, टी सेल्स लड़ रहे हैं, तो उस जगह के ऊपर हमेशा क्या होगी, इन्फ्लामेशन होगी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 1 इज द करेक्ट आंसर। अगर कहीं पे चोट लग रही है और उसके अगेंस्ट अगर आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है तो डैट मीन्स अगर वहां पे इन्फ्लामेशन होगी तो अच्छी चीज है। इन्फ्लामेशन अगर हो जा रही है तो वो अच्छी चीज है, इट मीन्स आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है उस चीज के लिए। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि यहां पे वर्ड यूज क्या किया है, एन एक्टिव इम्यून सिस्टम, मतलब आपकी बॉडी खुद रिएक्ट करेगी नेचुरल तरीके से, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लामेशन इज द करेक्ट आंसर, इन्फ्लामेशन। तो यहां पे देखिए इस तरीके से,
आपकी जहां पे इंफ्लामेशन होती है वो पेन होने लग जाता है, हीट वगैरह निकलने लग जाती है, स्वेलिंग होने लग जाती है, रेडनेस. सो दिस इज अ गुड साइन, ये दिस इज अ गुड साइन कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है यहां पे. क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, ये क्वेश्चन का आंसर बताइए. अगला क्वेश्चन बताइए क्या है. विच लीडर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज नोन एज अ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं दादाभाई नारोजी जी को. आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. दादाभाई नारोजी वही हैं जिन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक जो लिखी है. और दादाभाई नारोजी को, और इन्होंने पहली बार नेशनल इनकम के बारे में हमें बताया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में इन्होंने हमें बताया था कि भारत से पैसा लेके जा रहे हैं अंग्रेज. दादाभाई नारोजी 1892 में पहले भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन में बैठे थे वो ये थे. हाउस ऑफ कॉमन में बैठने वाले पहले भारतीय ये थे. और जो है ये कहां से इलेक्ट हुए थे? फिंसबरी से, लिबरल पार्टी से जो है ये इलेक्ट हुए थे यहां पे. दादाभाई नारोजी जी का एक पेपर रस्त गौफ्तार आपको याद रखना है. दादाभाई नारोजी जी ने आपके 1906 आईएनसी का कलकत्ता सेशन चल रहा था वहां पे पहली बार इन्होंने वर्ड यूज किया स्वराज. मतलब क्या हुआ? हमें अपना राज चाहिए, हमें अपना सेल्फ रूल करना है. यहां पे आईएनसी में वर्ड यूज किया. अदरवाइज स्वराज वर्ड वॉज क्वाइंड बाय दादाभाई दयानंद सरस्वती जी. दयानंद सरस्वती जी द्वारा जो है ये वर्ड दिया गया है. दयानंद सरस्वती जिन्हें हम मूल शंकर के नाम से जानते हैं, आर्य समाज के जो है आपके फाउंडर हैं. 1875 में बना था बॉम्बे में. दयानंद सरस्वती वही हैं जिन्होंने वेद भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तकें लिखी हैं. इंडिया फॉर इंडियंस इन्होंने बोला, गो बैक टू वेदास इन्होंने बोला, दयानंद एंग्लो वेदिक स्कूल इनके द्वारा स्टार्ट किए गए, इनके अनुयायियों द्वारा स्टार्ट किए गए, ये याद रखना है आपको. दादाभाई नारोजी की प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम था मैडम बीकाजी कामा. मैडम बीकाजी कामा को बोलते हैं मदर ऑफ रेवोल्यूशनरी इन इंडिया. रेवोल्यूशन को जगाने वाली जनकी या मदर किन्हें कहते हैं? मैडम बीकाजी कामा को. क्योंकि ये जो इन्होंने जो डेट इज द स्टटगर्ट 1907 स्टटगर्ट के अंतर्गत, जर्मनी के अंतर्गत जब सेकेंड सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पे इन्होंने तिरंगा लहराया था, नेशनल फ्लैग को लहराया था. और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहां पे ये सरदार राणा नाम के एक व्यक्ति के साथ मिलके इंडिया में जो है ये मतलब ये पैम्फलेट्स वगैरह, बारूद वगैरह, बंदूकें वगैरह आगे स्मगल करते थे. स्मगल वर्ड गलत है वैसे तो, स्मगल नहीं कहूंगा मैं, ये कहेंगे कि हाँ भेजते थे, जिसके कारण इंडिया में रेवोल्यूशन जो क्रांतिकारी भावना है वो जागी रहे और हमारे देश के अंदर जो लोग हैं वो अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ते रहे. तो ये जो वर्ड इसीलिए इनको कहा जाता है मदर ऑफ रेवोल्यूशनरी इन इंडिया कहा जाता है. आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने बोला था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, इन्होंने बोला था. बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य तिलक कहते हैं, लोगों ने टाइटल दिया था ये. बाल गंगाधर तिलक जी दो बार मांडले जेल गए हैं. फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट इनको किसने बोला था? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने बोला था? दैट इज वैलेंटाइन शिरोल ने बोला था इनको. क्लियर, ये याद रखना. होम रूल लीग 1916 में इन्होंने स्टार्ट करी थी. पहली होम रूल लीग महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई थी और ये स्टार्ट करी थी दादाभाई नारोजी जी ने, हेडक्वार्टर बनाए थे पुणे में. और दूसरी होम रूल लीग स्टार्ट हुई थी मद्रास अदियार में, हेडक्वार्टर बनाए गए थे बाय द एनी बेसेंट. क्लियर. और बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बात करें, केसरी मराठी लैंग्वेज में, मराठा इंग्लिश लैंग्वेज में, गीता रहस्या नाम की पुस्तकें लिखी हैं, ये याद रखना. बाल गंगाधर तिलक जी की डेथ होती है 1 अगस्त 1920 को, जिस दिन गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करते हैं. लाला लाजपत राय जी की बात करते हैं, 1920 का कलकत्ता सेशन में प्रेसिडेंट ये थे. और जब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी थी तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय जी बनाए गए थे. एन एम जोशी, लाला लाजपत राय, दीवान चमनलाल, जोसेफ बैप्टिस्ता, इनके द्वारा जो है आपकी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई गई थी और उसमें पहले प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय थे. लाला लाजपत राय जी को बोलते हैं पंजाब केसरी के नाम से और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी डेट इज अनहैप्पी इंडिया. अनहैप्पी इंडिया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मौलाना अबुल कलाम आजाद जो यंगेस्ट प्रेसिडेंट रहे हैं आपके आईएनसी के, क्लियर.
क्लियर। सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर इनका रहा है 11 नवंबर जो है आपका, दैट इज द नेशनल एजुकेशन डे, और ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की पहले बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे आजाद भारत के। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की बात करें तो इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम नाम की जो है पुस्तक लिखी है, इंडिया विंस फ्रीडम। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट बताइए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया था 1861 में, क्लियर, और इसके जो कर्ता धर्ता थे वो थे अलेक्जेंडर, नाम क्या था इनका, अलेक्जेंडर कनिंगम जो पहले डायरेक्टर जनरल थे, और इनको ही फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोला जाता है, और ये हमारी कल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए, यस आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला बताओ, लैक्टोमीटर जो दूध की शुद्धता को मापते हैं, ऐसे ही हाइड्रोमीटर जो पानी की डेंसिटी को, घनत्व को मापते हैं, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होते हैं? सो दीज आर द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का मतलब क्या कहता है, आर्किमिडीज कहता क्या है कि कोई भी चीज तैरती है वो तैरती क्यों है, क्योंकि अगर उसने अपनी पानी को डिस्प्लेस किया हो अपनी डेंसिटी के बराबर या डेंसिटी से कम किया हो, अगर ज्यादा कर लेगा तो डूब जाएगा। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? सो दिस इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापता है। दूध के अंतर्गत ना तो विटामिन सी होता है ना ही आयरन देखने को मिलता है। विटामिन सी की एब्जॉर्प्शन के लिए आपको आयरन बहुत जरूरी होता है, और मिल्क जो होता है इसमें लैक्टोज शुगर होती है, और अगर खट्टा हो जाए तो लैक्टिक एसिड बन जाता है। लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में भी बन जाता है अगर हम एनारोबिक कंडीशन में आ जाएं। एनारोबिक कंडीशन का मतलब, अगर हम नेगेटिव, एनारोबिक कंडीशन का मतलब ये होता है कि अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन खत्म हो जाए, ग्लूकोज खत्म हो जाए, तब ये बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर वन, क्लियर। चलिए जी अगला आंसर बताइए, गदर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था लाहौर में तो किसको एग्जीक्यूट किया गया था 1915 में? एग्जीक्यूट किया गया था, यस बताइए एग्जीक्यूट किसको किया गया था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस ट्रायल में? देखिए बहुत सारे लोग थे यहाँ पे, विष्णु सिंह, विष्णु गणेश पिंगले, जगत सिंह, सुरेंद्र सिंह 1-2, हरनाम सिंह, बख्शी सिंह एंड करतार सिंह सराबा। तो करतार सिंह सराबा को जो है यहाँ पे क्या किया गया था, हैंग किया गया था। ये जैसे हम कहते हैं ना भगत सिंह क्यों बने, करतार सिंह सराबा को देख के बने। उनकी जो जोश है, उनकी बातें जो हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो भगत सिंह है वो क्रांतिकारी फैमिली से ही बिलोंग करते थे, ठीक है, और ये जो करतार सिंह सराबा हैं ऑब्वियसली बात है उठना बैठना घर के लोगों का, तो इनको देखते देखते इनमें वो चीज़ें जागी और वो भगत सिंह बने जो हम पढ़ते हैं, वो करतार सिंह सराबा को देख के बने थे, ये याद रखना। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और गदर की बात करता हूं तो गदर पार्टी बनी थी आपकी 1913 में, क्लियर, सैन फ्रांसिस्को हेडक्वार्टर बनाए गए थे यूएस में, और लाला हरदयाल वॉज द प्रेसिडेंट, लाला हरदयाल जी के कहने पे, क्लियर, और प्रेसिडेंट जो गदर पार्टी के बने थे वो थे सोहन सिंह बाखना। करतार सिंह सराबा वॉज एग्जीक्यूटेड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, ये याद रखना। Yes. समझ आया आप लोगों को? ये देखिए जी कॉन्स्पिरेसी केस में ये लोग थे। नेक्स्ट बताइए जी, महाबलेश्वर से कौन सी रिवर स्टार्ट होती है? महाबलेश्वर से कौन सी रिवर स्टार्ट होती है? सो दैट रिवर इज कृष्णा रिवर। ये हमारी साउथ इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी रिवर है। कृष्णा रिवर जो है गोदावरी के साथ डेल्टा बनाती है आंध्र प्रदेश में, और कृष्णा गोदावरी के बीच में एक लेक होती है, डेट इज कॉल्ड क्लेरू लेक, अगेन दिस इज इन द आंध्र प्रदेश। कृष्णा रिवर के ऊपर नागार्जुना सागर डैम है, श्रीशैलम डैम देखने को मिलता है यहाँ पे। गोदावरी रिवर के ऊपर पोलावरम प्रोजेक्ट है, डेट इज इन द आंध्र प्रदेश, एंड कालेश्वरम प्रोजेक्ट है, डेट इज इन द तेलंगाना, क्लियर।
नर्मदा रिवर स्टार्ट होती है अमरकंटक प्लेटू से, जो कि रिफ्ट वैली का पार्ट बनाती है विंध्यस और सतपुड़ा में, ब्लॉक माउंटेन्स का पार्ट बनाती है, जबलपुर के अंतर्गत ये बनाती है मार्बल फॉल्स। क्लियर हो गया आप लोगों को? नर्मदा रिवर जो है एश्वरी बना लेती है और अरब सागर में जाके गिरती है, और एश्वरी बनाने वाली नर्मदा, तापी, माही और साबरमती नदियां हैं जो कि एश्वरी बनाती हैं आपके वेस्ट कोस्ट के ऊपर। ताप्ती बिल्कुल इससे स्टार्ट होती है अमरकंटक से ही, और ये जो है आपकी जो नर्मदा रिवर है जबलपुर के अंतर्गत ये बनाती है क्या, धुआंधार फॉल्स। धुआंधार फॉल्स जिसे हम क्या कहते हैं, मार्बल फॉल्स कहते हैं, और इसके बिल्कुल पैरेलल चलती है ताप्ती, और ताप्ती भी कहाँ गिरती है आपके जो है डेट इज इन द अरब सागर में, और यह बनाती है ऐश्वरी। ऐश्वरी बनाने वाली चार नदियां डेट इज नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। ताप्ती रिवर के किनारे पे शहर है सूरत। सूरत को हम क्या कहते हैं, डायमंड सिटी कहते हैं। डायमंड जो है प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन का, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो। क्लियर? और कार्बन की बात, सूरत की बात करते हैं तो सूरत विभाजन 1907 में हुआ था जब आपके मॉडर्ट्स प्लस एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड हुए थे, याद रखना। कावेरी रिवर ब्रह्मगिरी रेंज से स्टार्ट होती है कर्नाटक से, और ये बनाती है कावेरी डेल्टा, और कावेरी वाटर डिस्प्यूट देखने को मिलता है आपका कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में और पुडुचेरी में, वाटर शेयरिंग को लेके डिस्प्यूट है यहाँ पे। सो आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर वन कृष्णा रिवर इज द करेक्ट आंसर, कृष्णा रिवर। क्लियर? सो हियर इज द कृष्णा रिवर। सो गाइज, ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। बाकी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे, यहाँ पे डॉक्टर विपन गोयल के नाम से। मेरे साथ यहाँ पे 140,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई पेपर है, एग्जाम है, डाउट्स है, आप मुझे यहाँ पे सेंड कर सकते हो। जिस तरीके से आज हमने क्वेश्चन पढ़े हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, अगर आप ऐसे ही चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं, 10,000 एमसीक्यू कोर्स, जिसमें हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज तो करते ही करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्पेशल फोल्डर्स आपको देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के फोल्डर्स हैं यहाँ पे। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी जीके भी कवर है यहाँ पे, बिहार जीके भी कवर मैंने करवा दिया, स्टेट जीके जिसे हम कहते हैं, एमपी जीके के अंदर भी हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। और इसके अलावा जो मॉक टेस्ट है वो लाइव डिस्कशन होगी आज शाम को 5 बजे, वो भी देख लेना आप लोग। तो ये आपकी VIP 50 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। और अगेन डिस्कशन जो भी मॉक टेस्ट की होगी वो सिर्फ 10,000 एमसीक्यू कोर्स में ही देखने को मिलेगी। जीएस कोर्स की बात करूं, ये हमारा थियरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीजें स्टडी करी हैं। इन कोर्सेज को आप कहां से लेंगे, स्टडी IQ ऐप पे या हमारी वेबसाइट studyiq.com। जैसे ही आप इस चीज को ओपन करते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा यहां पे होम पेज, यहां पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज व्यू ऑल का बटन। जैसे आप व्यू ऑल के बटन को दबाएंगे जीएस कोर्स और 10,000 एमसीक्यू कोर्स आपको नजर आ जाएगा। जो भी आपको कोर्स अच्छा लगे आप परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। क्लियर? और बाकी मैं दिखा देता हूं आप लोगों को कि कैसे आप जो है इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आपको करना क्या है, अगर आप वेबसाइट से खोलते हैं तो आपको ये studyiq.com जो है खोल लेना है, ठीक है? तो यहां पे आपको studyiq.com जो लिखा हुआ है ये खोल लेना है। जैसे आपने studyiq.com खोला तो यहां पे आ जाएगा what do you want to learn, तो यहां पे आपने डाल देना है 10,000। जैसे आप 10,000 डालेंगे तो आपको याद आएगा 10,000 एमसीक्यू कोर्स बाय विपिन सर, क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पे बाय नाउ का बटन है, यहां पे आप बाय नाउ करना, यहां पे कोड डाल लेना VIP 50, तो आपको यहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसमें ऑलरेडी 594 वीडियोस हैं। मॉक टेस्ट जो आज होने वाला है वो इसी के अंतर्गत अपलोड होगा। कहाँ पे अपलोड होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? और इसमें कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए लाइव सेशन बाय डॉक्टर विपन गोयल, यहाँ पे आपका एक फोल्डर बना दिया गया है, यहाँ पे लाइव सेशंस वगैरह देखने को आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे पॉलिटी, हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, फिजिक्स, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री, बायो, फिजिकल ज्योग्राफी, और यहाँ पे आपकी इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, UPSC स्टेट PCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश जीके, UPPCS के लिए स्पेशल क्वेश्चन, मध्य प्रदेश जीके, MPPCS के 2022 के लिए, बिहार जीके, वेस्ट बंगाल, स्टैटिक जीके, SSC एंड रेलवे एग्जाम्स। क्लियर? और यहाँ पे आपके डिफेंस एग्जाम के लिए, CDS, CPF के लिए, पंजाब एग्जाम्स के लिए, नायब तहसीलदार, उड़ीसा, ICAR, सब इंस्पेक्टर एग्जाम्स के लिए, 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्विज, MCQ रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट। यहाँ पे मॉक टेस्ट में आपका आज का मॉक टेस्ट यहाँ पे अपलोड होगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा और इसको अटेम्प्ट कर लेना।
ठीक है। और ये सारे स्पेशल फोल्डर्स जो हैं आपको एग्जाम से एक महीना दो महीना पहले पढ़ के जाने होते हैं। अगेन पैकेजेस यहाँ पे देख लेना आप, जो भी आपको लेना है 12 मंथ वाला, 24 मंथ वाला, 36 मंथ वाला, जो भी आपको लेना है कोड मैंने आपको बता दिया, आप लगाना, आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? सो गाइज ये थे क्वेश्चन हमारे लेक्चर में, आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। जो भी चीज़ आपको परचेज करनी है करके अपनी प्रिपरेशन को आगे स्टार्ट कीजिए, और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें डीके और आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।